एक हदीस ना सुनाऊँ आपको इब्ने माजा से, तिर्मिज़ी शरीफ में भी मौजूद है, मिश्कात में भी मौजूद है। हज़रत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरे सामने ये अल्फाज बयान किए, और ये ज़रा अल्फाज देखिए हुजूर के किस तरह के हैं। हुजूर फरमाने लगे, मेरे दोस्तों में सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक काबिल रश्क वो मोमिन है जो ज़रा हल्का फुल्का सा होता है, उस पर ज़रा जिम्मेदारियों का बोझ कम होता है, जिसका दायरा ज़िंदगी ज़रा महदूद है, हल्का है, बहुत ज़्यादा उसने अपने ऊपर बोझ नहीं डाले। और हुज़ूर फरमाने लगे, नमाज में उसे लज्जत हासिल होती है, उसका नमाज में बड़ा हिस्सा है। फरमाया, अपने रब की इबादत करता है तो खूबी के साथ करता है, अपने अल्लाह की फरमा बरदारी करना ये उसका तुर्रा इम्तियाज़ है, ये बंदा काबिल रश्क है। और हुज़ूर फरमाने लगे, वो जो कुछ भी करता है ना, करता छुप के। ये काबिल रश्क मोमिन की हुजूर अलामतें बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं, वो बंदा गुमनामी में रहता है, छुपा हुआ रहता है, उठ बुले आ चलो थे वसीए जिते वस देनी सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मन्ने, छुपा हुआ रहता है। और हुजूर फरमाते हैं, ये काबिल रश्क है जिसकी तरफ उंगलियों से इशारा नहीं किया जाता, वो हजरत जा रहे हैं, वो चौधरी साहब जा रहे हैं, वो देखो फलांग है, उंगलियों से लोग इशारा नहीं कर, काबिल रश्क मोमिन है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रोज़ी भी उतनी है उसके पास जितनी उसे ज़रूरत है, बकदर ज़रूरत अल्लाह ने रिस्क दिया हुआ है, और वो उस पर साबर भी है, शाकिर भी है। और हुज़ूर फरमाते हैं, उसकी मौत भी चुटकियों में आती है, और ताल्लुक भी थोड़े हैं, पीछे रोने वाले भी ज़्यादा लोग कोई नहीं। ये बंदा जो छुपा हुआ है, ये जो गुमनाम सा है, वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है। और मेरा जी चाहता है सारी गज़लें उस प्यारे के नाम करें, वो पीछे ज़रा हट के, गुमनाम थोड़ा सा लोगों से छुपा हुआ, थोड़ा सा किसी कोने से लगा हुआ, थोड़ा अपना तारुफ को बचाता हुआ, उसने कोई कार्ड नहीं छुपाए हुए, वो बहुत सारी जगहों पर मिंबर नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है।